अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस अहमद फ्रॉम एबीएस टेक। और यार, आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि एलजी G7 और पोको X2 का कंपैरिजन करें। मैंने ये तो काफ़ी नोट किया कि मेरे पास एलजी G7 तो अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास पोको X2 अवेलेबल नहीं था। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इनका स्पेक बाय स्पेक कंपैरिजन करें, और जितने मैंने रिव्यूज़ देखे मैं उनके लिहाज से आपको बताऊं कि इन दोनों में से आपको कौन सा परचेज़ करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको फ्यूचर में ऐसी और वीडियोज़ मिलती रहेंगी और मैं आपके कॉमेंट्स भी पढ़ता हूँ। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो आप लोग कंपेयर करने का यानी सबसे ज़्यादा कह रहे थे वो ये था कि आप लोग कैमरे का पूछ रहे थे। तो यार, कैमरा वाइज अगर देखें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल G7 के अंदर दोनों कैमरे मिल जाते हैं, अल्ट्रा वाइड भी और नॉर्मल भी। यहाँ के आपको Xiaomi Poco X2 के अंदर आपको राउंड अबाउट 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, जिसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों के अंदर से आप किसको प्रेफर करते हैं इन दोनों के, ये काफ़ी मिक्स्ड बैग है। जो Xiaomi है वो आपको एक काफ़ी कलराइज्ड लुक प्रोवाइड कर देता है, यानी जो कलर आपको देखने में अच्छा लगता है लेकिन वो ट्रू टू लाइफ इतना नहीं होगा। यहाँ पे जो LG है, इनकी कलर प्रोफाइल थोड़ी ट्रू टू लाइफ है, ये देखने में इतनी अच्छी नहीं मे बी समटाइम्स लगती, लेकिन आपको जो है ट्रू टू लाइफ देखने को मिल जाती है। और अगर आप बात कर लें कैमरा फीचर्स की तो LG के अंदर आपको मैनुअल मोड्स और वीडियो के अंदर मैनुअल मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। लेकिन मोस्ट लोगों के लिए मेरे ख्याल से Xiaomi Poco X2 का कैमरा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको बाद में एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, उसकी ओवरऑल इमेज इतनी अच्छी होती है कि आपको बाद में एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज़ जो आप लोग सबसे ज़्यादा कंपेयर करने का कह रहे थे वो थी बैटरी लाइफ। और बैटरी लाइफ की बात कर लें तो LG कभी भी बैटरी लाइफ के अंदर इतना ग्रेट नहीं रहा, लेकिन G7 के साथ इन लोगों ने ये बात बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की और G7 की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी थी। इसके अंदर आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे Xiaomi के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अब ऑब्वियसली Xiaomi की बैटरी लाइफ दो वजह से ज़्यादा होगी, क्योंकि एक उसके सेल का साइज़ भी बड़ा है और दूसरा उसका जो प्रोसेसर है वो भी थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इस लिहाज से आपको Xiaomi ज़्यादा एफिशिएंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपने किसी में भी बैटरी लाइफ आपने देखनी है तो आपके लिए Xiaomi बेहतर है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आ जाती है वो है स्पेक्स। और इसके अंदर आपको G7 के अंदर आपको 845 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जबकि आप Xiaomi के अंदर देखेंगे तो आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब सुनने के अंदर आपको लगेगा कि इसका G7 की स्पेक्स जो है वो ओवरऑल ज़्यादा है रैम के अलावा, क्योंकि 845 है इसके अंदर तो मे बी 730G से ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसका ओवरऑल एंटूटू स्कोर जहाँ पर 2 लाख और 50,000 के करीब आता है, वहीं पर उसी का स्कोर Xiaomi X2 का स्कोर आपको 2,70,000 के करीब देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर GPU बिल्कुल ज़्यादा G7 का पावरफुल है, लेकिन ओवरऑल जब आप बात करें प्रोसेसिंग पावर की तो वो Xiaomi X2 के अंदर ज़्यादा है। उसके अलावा भी आपको उसके अंदर एक दो ज़्यादा बेहतर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 120Hz डिस्प्ले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि अभी तक इतने लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर है, तो मैं यही कहूँगा कि Xiaomi X2 Poco X2 आपको अभी ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एक लेटेस्ट फ़ोन भी है और उसके अलावा भी उसकी स्पेक वाइज भी इससे बेहतर जा रहा है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर में आपको इसी तरह की और वीडियोज़ मिलती रहेंगी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।